जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, उन बच्चों के लिए जो SHD 2022 में फेल हो गए, या उन बच्चों के लिए जो अभी 10th क्लास पास किए या 12th क्लास पास किए। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वीडियो, अच्छे से देखना। बहुत सारे बच्चे SHD 2023 को टारगेट कर रहे हैं और साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि सर ये वैकेंसी इस साल आएगी या नहीं आएगी। ये तो आपको पहले ही अनुमान लग गया होगा जब आपके एक CRPF का एक नोटिस आया था ऑफिशियल साइट पर, यानी ओरिजिनल नोटिस जिसमें लिखा हुआ था CRPF में 1,30,000 पदों पर भर्ती होगी। उसके बाद में एक नोटिस और आया था जो PIB द्वारा आया था, यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये गृह मंत्रालय की ऑफिशियल साइट है जिसके द्वारा जारी हुआ था कि 1,29,000 पदों पर CAPF में कॉन्स्टेबल GD के लिए भर्ती होगी। और इसकी एग्जाम डेट भी आपको बताई गई थी 1 जनवरी 2024। ये क्या बताई थी? एग्जाम डेट, भर्ती नहीं बताई, ध्यान रखना एग्जाम। अगर एग्जाम 1 जनवरी के आसपास बताया, इसका मतलब भर्ती कब आएगी? ये भर्ती आएगी आपके मान के चलो कि सितंबर अक्टूबर में जब भर्ती आएगी तब इस समय एग्जाम हो सकता है। अब मैं बता दूं, ये दोनों ही वैकेंसियां हैं, यानी इसको और इनको ये एक ही तरीके से बताई गई। ये दोनों ही पदों की जो भर्ती होगी वो होगी SHD GD के द्वारा, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये वैकेंसियां होगी। अब ध्यान रखिए, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं आने वाली 15 मई से, जो 15 मई है, 15 मई 2023 से हम अकेडमी में स्पेशली SHD GD का नया बैच जारी कर रहे हैं। भाई जो बच्चा ऑफलाइन आके, ये वो बैच है जिसमें हम बच्चों के सिलेक्शन के लिए गारंटी बैच जिसको बोलते हैं, सिलेक्शन बैच जिससे सबसे ज्यादा सेलेक्ट होते हैं बच्चे, वो ये बैच है। उसको हम पहले ही कम से कम 8 महीने पहले शुरू कर देते हैं, तो 6 से 7 महीने का समय अभी है, अभी से शुरू किया जाएगा 15 मई से। तो जो भी बच्चा SHD GD की तैयारी करना चाहता है 2023 वाली की, वो अभी अकेडमी आ सकता है, क्योंकि अगर अभी से तैयारी करेगा तभी उसका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, सिर्फ तैयारी नहीं करना है, सिलेक्शन पाना है, 100% आपको सिलेक्ट होना ही होना है, तो आपको 15 मई से ही अकेडमी ज्वाइन कर लेनी है। इसमें केवल हम 100 बच्चों का ही सीट है, 100 से ज्यादा बच्चे नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना। 100 बच्चे ही इस बेच में हम लेंगे इस बार के लिए, बाकी जो बेच अगला चलेगा वो चलेगा नोटिफिकेशन के बाद में। अभी जो नोटिफिकेशन से पहले बेच चलेगा इसमें केवल 100 बच्चे लिए जाएंगे और इनकी तैयारी कराई जाएगी SHD GD 2023 के लिए ऑफलाइन, ठीक है? ध्यान रखना, ऑफलाइन बेच की कुछ शर्तें हैं। आपको मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है बात करने के लिए, संडे के दिन आपको सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे के मोबाइल मिलता है। जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं वो भी ध्यान रखना, हमारी एकेडमी में संडे के अलावा बाकी मोबाइल अलाउ होता ही नहीं। लड़के और लड़कियां दोनों के लिए बेस हो रहा है 15 मई से। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन पहले से करा सकते हो और 15 मई से आप पहले आपको अकेडमी ज्वाइन कर लेनी है, अगर आप टारगेट बना रहे हो SHD GD 2023 को, ठीक है? लाड लो, ये दोनों वैकेंसियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट है, आप जाके देख सकते हो। एक तो PIB की साइट पर देख सकते हो, एक CRPF के ऑफिशियल पेज पर देख सकते हो, इन दोनों ही भर्तियों में। और ये भर्ती किसके द्वारा होगी? SHD GD के द्वारा होगी, इसीलिए अभी से हम बेच बना रहे हैं। ये पहला बेच रहेगा जिसमें 100 बच्चे रहेंगे। अगर बाद में आप आओगे तो नोटिफिकेशन के बाद में आओगे तो वो सिर्फ 3 महीने या 4 महीने तैयारी कर पाओगे, तो उसमें सिलेक्शन बेच उसको हम बोलते नहीं, ये बेच है जिसको सिलेक्शन बेच बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं, ठीक है? इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए, आप अभी से करा सकते हैं, 15 मई से ये बैच शुरू हो रहे हैं। लाडलो, जय हिंद जय भारत।